जय हिंद वंदे मातरम। आप सभी मित्रों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑफिशियल टारगेट स्टडी में। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं जीएस से रिलेटेड सामान्य ज्ञान से 100 क्वेश्चन जो आपकी एसएससी जीडी परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया हमारा, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? वो सिंधु नदी है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो इसका राइट आंसर है नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन, कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? तो एक तो सिंधु नदी है जिसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है और दूसरी ब्रह्मपुत्र जिसकी 2900 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? वो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। अगला क्वेश्चन, किस नदी को ब्रदर गंगा के नाम से भी जाना जाता है? वो गोदावरी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? वो कोसी जो अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन दिया गया, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? वो नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है? वो ब्राह्मणी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है। अगला क्वेश्चन, बैनगंगा और पैनगंगा की किसकी सहायक नदी है? बैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? वो गोदावरी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है? वो गंगा नदी पर बना है। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मंजुली बनाती है? वह है ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? वो मध्य प्रदेश में बहता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? वो ताप्ती नदी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान पर का जल समझौता हुआ? वो सिंधु नदी पर। अगला क्वेश्चन, सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? वो 20%। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर गुजरती है या बहती है? वो सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन, पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? वो कृष्णा नदी की। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? वो छोटा नागपुर के पठार से होकर। अगला क्वेश्चन, शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? वो चंबल की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, भारत की कौन सी नदी का मुहाना एवं उद्गम स्थल दोनों भारत में ही है? वो गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? वो फंडी की खाड़ी में आता है। अगला क्वेश्चन दिया गया, भाई वायुमंडल किसे कहते हैं? तो धरती के चारों ओर मौजूद गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल कई तरह के गैसों का मिश्रण है। गैसों के अलावा वायुमंडल में जल वाष्प व धूल कण भी मौजूद हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कितने प्रतिशत आर्गन है? वो 0.93% प्रतिशत। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? वो 0.03% या प्रतिशत। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? वो कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन दिया गया, ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में कितने किलोमीटर तक फैली है? वो 64 किलोमीटर तक फैली है। अगला क्वेश्चन, कौन सी गैस के अभाव से हम ईंधन नहीं जला सकते? ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में नियान गैस की मात्रा क्या है? तो 0.0018%। अगला क्वेश्चन, हीलियम गैस की मात्रा कितनी है? तो 0.0005%। अगला क्वेश्चन है, ओजोन गैस की मात्रा कितनी है? तो 0.00000%। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? वो ओजोन गैस ही है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की परावैगनी किरणों को अवशोषित करने वाली गैस कौन सी है? वो ओजोन है।
ओजोन परत होती है वो सूर्य की किरणों को अवशोषित करती है। अगला क्वेश्चन है, किन गैसों की वजह से ओजोन परत गैस की परत को क्षति पहुंच रही है, वो नाइट्रोजन ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, वो क्षोभ मंडल है। अगला क्वेश्चन, विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई क्या है, वो 16 किलोमीटर की है। अगला क्वेश्चन है, ध्रुवों पर क्षोभ मंडल कितनी ऊंचाई पर है, वो 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्षोभ मंडल में कितने मीटर की ऊंचाई के बाद 10 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है, वो प्रत्येक 165 मीटर के बाद। अगला क्वेश्चन, ऋतु एवं मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती हैं, ये क्षोभ मंडल में होती हैं। अगला क्वेश्चन, क्षोभ मंडल को और किस नाम से जाना जाता है, ये संवहन मंडल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की किस परत में हवा चला करती हैं, वो क्षोभ मंडल में ही चला करती हैं, जिसे संवहन मंडल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस नदी के किनारे एक प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, तो वो नर्मदा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है, वो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा। अगला क्वेश्चन, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं, वो है देवप्रयाग। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है, वो चंबल एवं साबरमती। अगला क्वेश्चन, लूनी नदी कहाँ गिरती है, ये कच्छ कारण में गिरती है। अगला क्वेश्चन, तिब्बत में मान सरोवर झील के पास से कौन सी नदी निकलती है, वो सतलुज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदियां हैं जो तिब्बत के मान सरोवर झील के पास से निकलती हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सी नदी बांग्लादेश से जमुना के नाम से जानी जाती है, वो ब्रह्मपुत्र नदी है जो बांग्लादेश में जमुना जी के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी की को दूसरी गंगा का नाम दिया जाता है, वो कावेरी नदी को। अगला क्वेश्चन, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है, आगरा ये है भाई किस नदी के किनारे स्थित है, ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कटक किस नदी के किनारे स्थित है या बसा है, वो महानदी के किनारे बसा है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, वो टिहरी बांध है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, वो हीराकुंड बांध है। अगला क्वेश्चन है, भागड़ा बांध किस नदी पर है, ये सतलुज नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है, ये महानदी ओडिशा महानदी पर है जो ओडिशा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदियों के संगम पर है, ये भागीरथी और भिलांगना दो नदियां हैं जिनके संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जवाहर सागर बांध किस नदी पर निर्मित है, ये चंबल पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है, वो भांगड़ा नागल परियोजना है। अगला क्वेश्चन, जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर है, ये चंबल नदी पर स्थित है जो राजस्थान में पड़ता है या है। अगला क्वेश्चन है, पेरियार जाल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, वो केरल में है। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई सागर परियोजना किस नदी पर है, ये बेतवा नदी पर है। अगला क्वेश्चन, बिहार की राजधानी कहाँ है, वो पटना है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी है हैदराबाद, आसाम की राजधानी है वह दिसपुर। अगला क्वेश्चन, उड़ीसा की राजधानी वो भुवनेश्वर है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम वह कर्नाटक की राजधानी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गुजरात राज्य की राजधानी है वह गांधीनगर। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर राज्य की राजधानी है वह है श्रीनगर। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु राज्य की राजधानी है और चेन्नई, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। अगला क्वेश्चन, नागालैंड की राजधानी कहाँ है, वो कोहिमा।
अगला क्वेश्चन, पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन, हरियाणा राज्य की राजधानी है वो भी चंडीगढ़। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है भोपाल। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है वो मुंबई। अगला क्वेश्चन है, मेघालय राज्य की राजधानी है शिलोंग। राजस्थान राज्य की राजधानी है जयपुर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। सिक्किम राज्य की राजधानी है गंगटोक। अगला क्वेश्चन है भाई, मिजोरम राज्य की राजधानी कहाँ है वो आइजोल। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अगला क्वेश्चन, गोवा राज्य की राजधानी है वो है पणजी। उत्तराखंड राज्य की राजधानी है देहरादून। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है वो है रायपुर। झारखंड राज्य की राजधानी है वो है रांची। अगला क्वेश्चन, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है वो है नई दिल्ली। लक्षद्वीप केंद्रीय केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है कवरत्ती। दादर और द्वीप केंद्र प्रशासित प्रदेश की राजधानी है दमन। अंडमान निकोबार केंद्र शासित राज्य की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अगला क्वेश्चन, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है ये चंडीगढ़ है। पुडुचेरी केंद्र प्रशासित राज्य की राजधानी है प्रदेश की राजधानी है वो है पुडुचेरी। अगला क्वेश्चन है, दादर व नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है वह सिलवासा। अगला क्वेश्चन है, मानसून की उत्पत्ति कहाँ से होती है ये कर्क रेखा और मकर रेखाओं के निकट से। अगला क्वेश्चन, मानसून का क्या तात्पर्य है, हवाओं के रुख का बदलना मानसून का कारण। अगला क्वेश्चन है, मानसून का प्रभाव सबसे ज़्यादा कहाँ नज़र आता है ये दक्षिण पूर्व एशिया में नज़र आता है। अगले और लास्ट क्वेश्चन है भाई, ग्रीष्म ऋतु में मानसूनी पवनें किस ओर चलती हैं ये समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन है, शीत ऋतु में मानसूनी पवनें किस ओर चलती हैं ये स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं, ठीक उल्टी चलती हैं भाई इनके। तो ये थे आज के हमारे जीके से रिलेटेड टॉप 100 क्वेश्चन। यदि आपको पसंद आए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। बने रहिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।